नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिजीत और आज हम बात करेंगे शौचालय प्रशिक्षण यानी के टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में। टॉयलेट ट्रेनिंग पेरेंट्स और बच्चों के लिए एक स्ट्रेसफुल और चैलेंजिंग समय हो सकता है। इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए इन टिप्स का उपयोग करें। टिप नंबर वन, अपने बच्चे के तैयार होने तक पेशेंस रखें। बच्चे आमतौर पर 1.5 से 3 साल की उम्र के बीच तैयारी के लक्षण दिखाते हैं। टॉयलेट रेडीनेस के कुछ सिग्नल्स में टॉयलेट में इंटरेस्ट दिखाना, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करना और अपने यूरिन और स्टूल पैसेज पर कुछ कंट्रोल रखना शामिल है। टिप नंबर टू, सही इक्विपमेंट प्राप्त करें। मेक श्योर कि आपके बच्चे के लिए करेक्ट साइज की पॉटी सीट अवेलेबल है जो आपके वॉशरूम में सिक्योरली फिट हो जाए। आप अपने बच्चे को ज्यादा मच्योर और इंडिपेंडेंट फील करने में हेल्प करने के लिए कुछ पॉटी ट्रेनिंग पैंट्स लेने का भी सोच सकते हैं। टिप नंबर थ्री, एक डेली रूटीन बनाएं। टॉयलेट का उपयोग करने के लिए एक रेगुलर डेली रूटीन एस्टेब्लिश करें, जैसे कि खाने या झपकी के बाद पॉटी सीट पर रेगुलर इंटरवल पर बैठना। किसी भी सक्सेसफुल अटेम्प्ट के लिए अपने बच्चे की तारीफ करें, भले ही वो छोटी क्यों ना हो। टिप नंबर फोर, बी पेशेंट एंड स्टे पॉजिटिव। टॉयलेट ट्रेनिंग में टाइम लगता है और छोटे मोटे एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं। इन एक्सीडेंट्स के लिए पनिशमेंट देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। स्टेइंग पॉजिटिव एंड बीइंग पेशेंट इन दिस सिचुएशंस इज द की। इसके बजाय अपने बच्चे को अगली बार फिर से ट्राई करने के लिए इनकरेज करें। टिप नंबर 5, लगातार बने रहे, बी परसिस्टेंट। निरंतरता सफलता की कुंजी है। डायपर और इनरवेयर के बीच अदला बदली ना करें, इससे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। टिप नंबर 6, रिवॉर्ड थेरेपी। सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के लिए अगर पॉसिबल हो तो स्टिकर या फेवरेट स्नैक्स जैसे छोटे ट्रीट्स दे। याद रखें कि हर बच्चा अलग होता है और टॉयलेट ट्रेनिंग कुछ बच्चों के लिए दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा वर्क ले सकती है। धीरज रखें, स्टे पॉजिटिव एंड डोंट वरी, आपकी बच्ची या बच्चा इसे इजीली कर पाएगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस और क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट बिलो। विद दैट सेड गाइस, वी एंड दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।